के आशियान। जिनबेदिया इलाके में नहर के किनारे बसे गांव पर बरपा कहर। गंडेश्वरी नदी का पानी नहर में आने से टूटे तटबंध, समंदर जैसा दिखा मंजर। लोगों ने जैसे तैसे घरों से निकलकर बचाई जान। सैलाब में तिनके की तरह गिरते और बहते दिखे घरौंदे, हर तरफ मची थी चीख पुकार। अचानक घर का हिस्सा बहने से सैलाब में फंस गई एक महिला, देर तक मलबे पर खड़े रहकर बचाई जान। चारों ओर दिखा तेज बहाव। तबाही का आलम यह था, जो जहां था वो वहीं ठहरने को हुआ मजबूर। चंद मिनटों में सैलाब की भेंट चढ़ गया सड़क का बड़ा हिस्सा, दोनों छोर पर फंसे ग्रामीण। देहरादून का गोरी माफी गांव सौंग नदी के बाढ़ की चपेट में आया, 300 परिवारों पर संकट। भूस्खलन से यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला यमुनोत्री हाईवे बंद, पहाड़ी का मलबा हाईवे पर आया, झरने जैसा दिखा मंजर। उत्तराखंड के विकास नगर में बारिश के बाद भूस्खलन की आफत, पहाड़ी खिसकने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। उत्तराखंड पर 48 घंटे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया मूसलाधार बारिश का अलर्ट। मूसलाधार बारिश के बाद शिमला में भूस्खलन की तबाही, पहाड़ी खिसकने से सड़क पर आया मलबा, ढहे बड़े बड़े दरख्त। हिमाचल के चंबा में जारी है बारिश की तबाही का सिलसिला, खाई में गिरी डलहौजी से जलंधर जा रही बस, एक की मौत, 7 घायल। जमशेदपुर में भारी बारिश के बाद जल भराव की मुसीबत, गलियों में घुटने से ऊपर तक पानी, बाढ़ जैसे हालात। यूपी के जौनपुर में गोमती के जलस्तर में बढ़ोतरी, खतरे को नजरअंदाज कर उफनती नदी में छलांग लगा रहे लोग। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदियों में उफान, एक दर्जन गांव में के डूबने का खतरा। मैनपुरी में लगातार हो रही बारिश से धराशायी हुआ मकान, मलबे में दबकर 2 बच्चियों की मौत। यूपी के फतेहपुर जिले के आशापुर गांव में इंद्रो पांडू नदी का कहर, प्रशासन ने खाली कराए 12 से ज्यादा गांव। फतेहपुर में सैलाब से 3 घर ढहे, अब तक 4 लोगों की जा चुकी है जान। यूपी के बाराबंकी में एल्गिन बांध टूटने से कई गांव में जलभराव, हुआ भारी नुकसान। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी उफान पर, बाढ़ के चलते 6 से ज्यादा गांवों का कटा संपर्क। बिजनौर में फीका नदी पर बना पुल ढहा, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका आवागमन। इटली के बोलोंगा में हाईवे पर टैंकर में हुआ धमाका, कई गाड़ियां चपेट में आई, एयरपोर्ट के करीब हुआ धमाका। हाईवे पर वाहनों की कतार में पीछे से टैंकर ने आकर लॉरी को मारी टक्कर, इसी के फौरन बाद हुआ धमाका, 2 की गई जान, 7 लोग घायल। कार के भीतर भी एक शख्स ने हाईवे पर हुए धमाके को किया शूट, धमाके वाली जगह पर धंसा पुल का हिस्सा।